नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लौटे हैं दिल्ली की 20 बड़ी खबरों के साथ। फिर जलाई गई पराली, दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगा प्रदूषण, 10वीं की छात्रा ने किया कमाल, कौन बनेगा करोड़पति में जीत लिए 25 लाख, सिख दंगा मामला, बढ़ सकती है पूर्व कांग्रेस सांसद की मुश्किलें, गवाह ने की पहचान, ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 घंटे में 4 लूट की वारदात को दिया अंजाम, भूख से ही हुई थी 3 बच्चियों की मौत, विसरा रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, नोएडा की कंपनी ने खराब क्वालिटी की सेवाएं देकर अमेरिकी कंपनी को 14 करोड़ ठगे, खास वजह से हुई फैशन डिजाइनर की हत्या, पार्टी से लौटे युवक की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने बताई हैरान करने वाली बात, वायरस अटैक का झांसा देकर विदेशियों से करते थे ठगी, ऐसे हुए थे वो गिरफ्तार, फेसबुक पर दोस्ती कर लाखों रुपए की ठगी करते थे ये शख्स, राहुल गांधी ने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी पर आरएसएस ने किए सर्जिकल स्ट्राइक, दिल्ली एयरपोर्ट पर एक रनवे बंद, हवाई किराया 86% तक बढ़ा, देश के बेहतरीन अस्पतालों में एम्स पहले स्थान पर, जानी मानी पत्रिका ने दी रैंकिंग, तिहाड़ में आलिशान जिंदगी जी रहे यूनिटेक के प्रबंध निदेशक, तस्वीरों के साथ एससी पहुंचा मामला, नेशनल हेराल्ड केस, कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से मांगे थे सबूत, अब 2019 में होगी सुनवाई, शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का केस, पीएम मोदी को लेकर दिया था विवादित बयान, गुरुग्राम में 24 नवंबर को होगी केजरीवाल की जनसभा, नवीन जयहिंद ने कही थी बड़ी बात, गवाह ने कहा सज्जन कुमार भीड़ को दे रहे थे सिखों को मारने का आदेश, शिक्षा का 35% फंड खर्च नहीं, सिसोदिया ने मांगा जवाब, हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बर्फबारी व भारी बारिश होने की संभावना, दिल्ली पर भी पड़ सकता है इसका असर। तो ये थी दिल्ली की बड़ी 20 खबरें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टूडेज की ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।